आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल, मैं हूं सरदार। चलिए खबर की ओर। टुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाने वाली महिला नेत्री के पति द्वारा एक महिला से दुष्कर्म का आरोप सबके समक्ष साबित होने जा रहा। बेवजह बागमारा विधायक टुल्लू महतो को फंसाया गया। संगठन की सदस्य साइना बानो ने अपनी बात को रखते हुए पत्रकारों के समक्ष आक्रोश जताने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि मामला 2017 का है, जब डबल इंजन की सरकार झारखंड में मौजूद थी, लेकिन पुलिस की शिथिलता के कारण जांच में इतने दिन लग गए। यह निंदनीय है। मामला आने के बाद 15 जून को का बयान लेने के बाद ही नेत्री के पति यानी आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जो शर्मनाक है। उन्होंने आरोपियों इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक गरीब महिला के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो होते आया है, फिर हो रहा है। सरकार क्या करिए, हमारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? क्या कुछ महिला के साथ हुआ है और कहां उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ बुरा हुआ है? हमारे समाज में आन दिन हमारी महिलाओं के साथ ये सब होते आ रहा, हम महिलाएं कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम लोग कब तक चुप रहेंगे? ये मामला हमारी बेटियों के साथ इस तरह होगा और हम सब चुप रहेंगे? कभी चुप नहीं रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ढुल्लू महतो को बचाने के लिए इस तरह का बात सामने आया है? जी नहीं, अब ऐसा नहीं लग रहा। एक महिला अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों करेगी? जब मामला 2017 में था तो फिर इसको 2020 में क्यों खुलासा हो रहा? लड़की चुप क्यों थी? अब वो लड़की चुप थी, किसी के दबाव में चुप थी, हो सकता है उसको डराया गया होगा। क्या लगता है किसको डराया गया होगा? आपको क्या लगता है किसको दबाव में चुप थी? बहुत सारी चीजें हैं जो गरीब बहुत सहन करती है, उसको डराया गया होगा, तुमको ये कर देंगे, जान से मार डालेंगे। जब उसके साथ रेप हो सकता है तो जान लेने में क्या कुछ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? क्या हम लोग चाहते हैं? उस गरीब को इंसाफ मिले। ढुल्लू महतो पे भी आरोप लगाया गया था, विधायक ढुल्लू महतो पर बलात्कार का, और कहीं न कहीं ये मामला उससे जोड़ा जा सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है बताएंगे आप? सर, अब वो महिला जब बोली मेरे साथ, कोई औरत ये नहीं चाहती इतनी बड़ी कलंक लेके जीना नहीं चाहेगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। वो इतने बड़े इल्जाम क्यों लगाएगी अपने आप पर, अपनी इज्जत पे? कोई अपनी इज्जत को नहीं उछालना चाहता समाज में, वो झूठ क्यों बोलेगी? वो भी इज्जत कितनी बड़ी कीमती चीज होती है। जहाँ तक इनको इंसाफ दिलाने की बात है, तो आप महिलाओं के संगठन जिला प्रशासन से मुलाकात की? मैं झारखंड महिला, हम सब उनको चाहते हैं इंसाफ दिलाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। इस बारे में पुलिस अधिकारियों से बात हुई? जी हाँ, बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग बात करना चाहेंगे। अगर इंसाफ उस लड़की को नहीं मिला तो हम लोग करेंगे, इसके आगे आंदोलन करेंगे उसको इंसाफ दिलाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं शाहिना बानो। क्या है आप? ये तो संगठन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, संगठन से भी जुड़ती हूँ मैं। हर वो गरीब के लिए लड़ना चाहती हूँ। महिला कोई संगठन की नहीं होती, इज्जत कोई संगठन की नहीं होती, एक समाज होती है, इज्जत होती है, उसके लिए मैं लड़ने के लिए हमें